हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना के लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना का चीले की रेसिपी। देखिए ये मैं बना चुकी हूँ, इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट और जल्दी जल्दी बन जाएगा। बहुत बहुत बड़ा प्रोसीजर है ही नहीं, एकदम सॉफ्ट। और आप सिर्फ साबूदाना भिगो दीजिएगा, बस तैयार हो जाएगा। रेडी देख लीजिए कितना क्रिस्पी है, और जितना पतला करेंगे तो उतना क्रिस्पी आएगा। अगर थोड़ा सा मोटा करते हैं तो काफ़ी स्पंजी आएगा। बहुत ही टेस्टी। इसे मैं हरी चटनी के साथ और सर्व कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और जो दिन भर उपास रहते हैं, शाम को ऐसा साबूदाना का चीला खाएंगे तो एकदम पेट भर जाएगा, उनको ऐसा लगेगा भी नहीं कि भाई भूख लग रही है ऐसे करके। और काफ़ी ईजी मेथड है, लोग बहुत ही ज़्यादा उसको ये करना वो करना कर, ऐसा कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल मेथड से मैं बता रही हूँ। चले बनाते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले एक बोल ले ले, कोई भी एक बोल ले ले, उसके अंदर डाल रही ये है साबूदाना। ये आधा किलो साबूदाना है, मैं ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि पूरा घर वाले के लिए बना रही हूँ मैं। आप चाहे तो एक पाव भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से भिगो दिया, तोड़ के दिखाया मैंने। फिर इसको वो बोल में डाल लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल के ही भिगोइए ताकि ये टूट सके। अगर शाम को बनाना है तो सुबह भिगो लीजिए, अगर सुबह बनाना है तो रात में भिगो लीजिएगा, मस्त हो जाएगा। फिर ये दो आलू है, कच्चे आलू है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया, कद्दूकस कर लिया, जो होता ना कद्दूकस करने वाला, उससे इसको मैंने ग्रेट करके डाल रही। कोई उबाल के डालने की, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। कच्चा आलू अच्छे से पक जाएगा वो चीले के अंदर ही। फिर इसके अंदर डाल रही आधा चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम लोग स्वाद अनुसार सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, जी हाँ वही। फिर ये हरी मिर्ची थोड़ा स्पाइसी के लिए, और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, ये इसको भी खिस के डाल देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर मैंने मूंगफली नहीं डाला है, हर एक को मूंगफली पसंद नहीं आता। अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा मूंगफली रोस्ट करके मिक्सी करके ज़रूर डाल लीजिएगा। फिर इसको अच्छे से इसको मिला ले, देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ले पहले। देखिए बाइंडिंग नहीं बन रही है, जी हाँ बाइंडिंग के लिए इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर डालेंगे हम लोग। इसे अच्छे से मिक्स कर लिए, देखिए इसके अंदर डालूंगी मैं, बता रही हूँ मैं आपको। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके अंदर डाल रही ये सिंगाड़े का आटा है, जी सिंगाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, पूरा उपास में चलता है, उसको आप ले ले। इसको मैंने एक कप लिया है, ये बराबर एक कप डाल रही हूँ, आधा कप आधा किलो साबूदाना के लिए। आप देख के डालिएगा, है ना। अगर आप एक पाव ले रहे हैं आप साबूदाना, तो आधा कप हो जाएगा, जैसे मिक्स हो जाए, जैसे एक बैटर जैसा तैयार हो जाए, क्योंकि डोसा का बैटर जैसा चाहिए ना हमें, तभी तो चीला बनेगा। फिर इसका से एक कप ले लिया मैंने, इसको मिक्स करके, देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। 5-10 मिनट इसको साइड रख देंगे, ताकि जो बैटर में जो हम लोग आटा मिलाए हैं वो पूरा पानी सोख करके इसको गाढ़ा थिकनेस बन जाए, ताकि हम लोग को चीला डालने में कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा मैंने 5-10 मिनट साइड रख देती हूँ। चलते हैं तवा की तरफ। जी देखिए ये तवा मैंने गर्म करने रख दिया है अच्छा सा। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं, देखिए ब्रश में लगा रही घी है, घी से खाते हैं बहुत सारे जन। अगर आप लोग ऑयल खाते हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं इसके अंदर। फिर बस एक एक चम्मच इसको डालना है, देखिए छोटा चम्मच है, इसको अच्छे से फैला दीजिए। देखिए ये थिकनेस क्या आपकी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा फैलाएंगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनेगा, बहुत टेस्टी, जो मुझे पसंद है। अगर थिकनेस पसंद है मोटा मोटा, तो आप 2-3 चम्मच डालिए, और ज़्यादा ना फैलाए, थोड़ा सा फैलाए, बचीला बोले हैं तो फैलाना बनता है ना, इसलिए ना इसको अच्छे से फैला दिया है मैंने। और गैस के फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा, एकदम धीमे भी लग सकते हैं। अच्छा क्रिस्पी होने तक पकने देना, क्योंकि साबूदाना कच्चा है, आलू कच्चा है, इसे अच्छे से सेकने देना है, है ना। इसको अच्छे से मैं बताऊंगी इंडिकेशन इसका, लेकिन बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी। हैप्पी नवरात्रि गाइस, माता जी आप लोग सब पे कृपा बनाए रखे, और आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरा करें, यह है मेरी दुआ आप लोग के लिए। बस इसके साइड में थोड़ा सा मैं घी और लगा रही हूँ, बहुत सज्जन को घी पसंद नहीं आता, तो आप लोग जो भी तेल खाते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्रत में घी खाया जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसा उठा के मैं दिखा रही हूँ, उठा के डाल रही हूँ, दिखा रही हूँ, फिर इसको पलट ले,
देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेके किनारे उसका गोल्डन ब्राउन कलर होना दिखा देगा वो, ताकि उसका इंडिकेशन है कि ये पलट सकता है ना। पलट ले फिर उसके बाद थोड़ा सा घी लगा ले। ब्रश का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि कम थोड़ा लगता है, अगर आप लोग अच्छा खाते हैं घी तो डाल लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे भी ऐसे नवरात्रि में थोड़ा ताकत की ज़रूरत होती ही है। वैसे माता रानी वो नवरात्रि के 9 दिन तो खूब ताकत देती है माता जी अपना। देखिए इसको अच्छे से पलट ले। पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम लोग गोल्डन ब्राउन कलर थोड़ा सा होने तक पकड़ने देंगे। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए मस्त दिख रहा है ना। देखिए पलट के दिखाती हूँ, देखिए इस तरफ भी गोल्डन ब्राउन कलर हो रहा है। इसी तरह से आप इसको बना लीजिए। मूंगफली भी आप लोग रोस्ट करके डाल सकते हैं जो पसंद करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। हरी चटनी हरा धनिया और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा नमक डाल के मैंने हरी चटनी बना लिया है, वो तो सबको पता है जी। तो उसको बस डाल के ग्राइंड कर लिया है, बस यही चटनी के साथ बहुत अच्छा जाएगा। बहुत सारे जन को चाय के साथ भी खा लेते हैं जो पसंद करते हैं, हमें तो बना के तो चाय के साथ भी खाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस दोनों तरफ अच्छे खासे इसको सेक ले। देखिए सेक के इसको निकाल दे रही, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, इतना गर्मा गर्म मज़ा आ जाएगा। मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। तवा गर्म है, बस इसके अंदर फटाफट अपना प्रोसेसर स्टार्ट कर देना है। देखिए थोड़ा सा घी लगा ले, बस एक दो कड़ची, अगर मोटा चाहिए है तो आप 2-3 कड़ची डाल लीजिए, छोटा तो कड़ची होगी, अगर बड़ी कड़ची है तो 1-1.5, जैसा थिकनेस आपको पसंद है बोल रही हूँ ना वैसे, ऐसे 2 कड़ची डाल दिए, बस फैला दे, अच्छे से फैल जाता है जी। देखो अच्छे से फैल गया है, अच्छे से ये फैल गया है। देखिए मेरे को थोड़ा पतला क्रिस्पीनेस होती है ना मरून कलर आने पे, वो बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैं थोड़ा पतला बनाती हूँ। बस किनारों में इसको हम लोग डाल लेंगे थोड़ा सा घी, घी अप्लाई कर ले, फिर इसको सेकने दे। देखिए अच्छे से सिक गया है, बस स्टेज पे इसको पलटा ले। देखिए वाओ कितना मस्त क्रिस्पीनेस बना है ना, ज़रूर बनाइए। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूले। कैसा बना आप लोग से भी साबुदाने की चीले की रेसिपी, वो भी नवरात्रि स्पेशल। देखिए इतना अच्छे से इसको सीख गया है ये, देखिए कितना अच्छे से सीख जा रहा है। दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से सेक के इसको भी मैं पलटा के निकाल दूंगी। और क्या क्या व्यंजन देखना चाहते हैं आप लोग मेरे चैनल पे, आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा। देखिए रेडी हो गया है टेस्टी टेस्टी साबुदाने की चिले की रेसिपी।